नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। दोस्तों, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह नया वर्ष आपके जीवन में अपार खुशियां लाए। नए साल के दिन इस वृक्ष को छूकर आ जाना, तत्काल गरीबी मिट जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है। आज हम इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास विषय के बारे में चर्चा करेंगे। एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली प्रयोग उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे आपको 1 जनवरी नए साल के दिन आपको करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस छोटे से उपाय को कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बदलाव होना प्रारंभ हो जाएगा। आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा और धन से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं से आपको छुटकारा देखने को मिलेगा। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बेहद ही ज़्यादा लाभदायक और फायदेमंद साबित होगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखेगा, जिससे आपको इसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसे शक्तिशाली वृक्ष के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे आपको 1 जनवरी नए साल के दिन आपको छूकर आ जाना है। दोस्तों, अगर आप उस शक्तिशाली वृक्ष को आप 1 जनवरी नए साल के दिन छूकर आ जाते हैं तो इससे आपके जीवन के सभी प्रकार की समस्याओं का खात्मा हो जाएगा और धन का आगमन इतनी तेजी से होने लगेगा कि लोग देखते रह जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर इस व्यक्ति के पास इतना धन आ कहां से रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में एक नहीं बल्कि कई वृक्षों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आपको नए साल के दिन यानी 1 जनवरी के दिन आपको चुपचाप छूकर के बसाना है। फिर उसके बाद आप स्वतः अपने जीवन में चमत्कार देखना प्रारंभ कर देंगे। दोस्तों, वैसे तो नया साल का जो दिन होता है, ये खरीदारी करने के लिए बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। माता लक्ष्मी जी इस दिन बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। इस बार नए साल के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। इस बार सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग का भी निर्माण हो रहा है 1 जनवरी के दिन। तो नया साल के दिन अगर आप कुछ विशेष चीज़ें खरीद कर भी लेकर आते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। इस बार नया साल 1 जनवरी दिन सोमवार से शुरुआत हो रही है। नए साल 2024 की जो शुरुआत है सोमवार के दिन से हो रही है। इस दिन बता दें कि कई अद्भुत योग बन रहे हैं। महालक्ष्मी योग भी बन रहा है, अमृत सिद्ध योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, शिव नामक योग। दोस्तों, इतने सारे शुभ योगों में अगर आप इस वृक्ष को छूकर आ जाते हैं नए साल के दिन 1 जनवरी के दिन, तो माता लक्ष्मी स्वतः ही आपके घर में दौड़ी दौड़ी चली आएंगी और आपके जीवन के सभी कष्टों से, सभी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, जानकारी बताने से पहले, आगे बढ़ने से पहले वीडियो में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। जितने लोग भी देख रहे हैं सभी लोग एक एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों का कितना महत्व है, देवी देवता का स्वरूप इन्हें माना जाता है, ये तो आप जानते ही हैं, और उनकी पूजा अर्चना भी की जाती है। कुछ पेड़ पौधों की हम पूजा अर्चना जरूर करते हैं और वैज्ञानिक ने भी यह प्रमाणित कर दिया कि पेड़ पौधे ही मनुष्य को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ पौधों के बिना मनुष्य की कोई औकात नहीं। पेड़ पौधों के बिना मनुष्य इस धरातल पर एक मिनट भी ठहर टिक नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों हमारा जो श्वास चलता है वह पेड़ पौधे के माध्यम से ही हमें प्राप्त होता है। और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रकार की अशुद्ध ऑक्साइड शरीर से निकालते हैं, उन सभी को पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं। पेड़ पौधे स्वतः तेज धूप में तपते हैं और मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करने का कार्य करते हैं। पेड़ पौधों से इंसान को न सिर्फ शीतलता और छाया प्राप्त होता है, बल्कि फल, फूल, लकड़ी, सभी प्रकार के वस्तुएँ मनुष्य के लिए उपयोगी होती है। इसलिए हमारे शास्त्र में पेड़ पौधों को बहुत ही ज़्यादा गुणकारी बताया गया है। अनेक प्रकार की बीमारियों का आप पेड़ पौधों के माध्यम से फ्री में इलाज कर सकते हैं। जड़ी बूटी बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी पेड़ पौधों को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है। दोस्तों, जो पीपल का वृक्ष होता है उसे वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों अन्य वृक्षों की तुलना में पीपल वृक्ष की आयु सबसे ज़्यादा होती है। और श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। और दोस्तों, पीपल के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु, स्वयं माता लक्ष्मी निवास करती हैं। ठीक उसी प्रकार आज के इस वीडियो में आप लोगों को
कुछ ऐसे वृक्ष के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आपको नए साल के दिन यानी 1 जनवरी के दिन आपको छू करके आ जाना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में किस प्रकार बदलाव आएगा। हमारे शास्त्र में कई ऐसे वृक्षों के बारे में बताया गया जो रोगनाशक होने के साथ ये वृक्ष आपके लिए प्रभावी साबित होंगे। दोस्तों, जब इन वृक्षों को छूने जाएंगे तो आपके पास लौंग और कपूर होना चाहिए, क्योंकि आपको वहां पर लौंग और कपूर को जलाना है। दोस्तों, लौंग और कपूर को आपको उस वृक्ष के नीचे जलाना है और उस वृक्ष को छू करके अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा बोलना है। आपकी जो भी समस्या है, आप मन ही मन वहां पर थोड़े से गुदगुदा लें यानी बोल दें, समस्या को उस वृक्ष के सामने बोल दें। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार कोई भी दोष लगा हुआ है या फिर किसी प्रकार की हाय लगी हुई है, तो वह उस वृक्ष के सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को अपने अंदर सोख लेगा, खींच लेगा और उस वृक्ष उसके प्रति में अपने एक छोटी सी डाली को भी तोड़ देगा। नए साल के दिन ऐसा करने से उसी दिन से आपके जीवन में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है और आपके शारीरिक कार्य बनने लग जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहला वृक्ष है पारिजात के वृक्ष को छू सकते हैं। पारिजात का वृक्ष बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ माना जाता है। ये समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ था, जिसे देवराज इंद्र ने नंदन वन में स्थापित किया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के कल्याण के लिए पारिजात के वृक्ष को इस धरती पर लाने का भी कार्य किया था। अगर आप हिंदू कथा को पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं तो आपको इसके बारे में अवश्य मालूम होगा कि दोस्तों, इस वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि जिस मनुष्य के शरीर में हद से ज़्यादा थकान होती है, आलस होती है, अगर एक बार वह व्यक्ति इस वृक्ष को छू लेता तो उसके सभी प्रकार के थकान और आलस दूर खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, अगर पारिजात का वृक्ष नहीं मिलता तो आप तुलसी का पौधा भी लेकर आ सकते हैं। तुलसी का पौधा बहुत ही शुभ होता है, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तुलसी के पौधे में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है, माता लक्ष्मी स्वतः वास करती हैं, इसलिए तुलसी के पौधे को नए साल के दिन 1 जनवरी के दिन जरूर छूकर आ जाना और छूकर फिर आप बोल देना माता लक्ष्मी जी के मंत्र का, आप ओम महालक्ष्मी देवो नमो नमः, इस मंत्र का जाप करना और एक नीचे एक घी का दीपक जलाना और कपूर जला देना वहीं पर। जी हाँ, लौंग और कपूर जला देना, घी का एक तेल जरूर, दीपक जरूर जला देना। ऐसा करने से जीवन की सारी समस्याएं, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगला वृक्ष है दोस्तों, पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष बहुत ही शुभ होता है, लेकिन आपको उस पीपल के वृक्ष को छूना है जिसकी लोग पूजा पाठ करते हैं, जो मंदिर में रहता है। मंदिर में जो पीपल का वृक्ष है उसे आप छू कर आ जाए। इसे छूने से स्वतः माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है, पूरे साल आपके घर में धन धान के भंडार भरे रहते हैं। नए साल के दिन आप पीपल के वृक्ष को भी छू लें, बहुत ही शुभ, बहुत ही अच्छा माना जाता है। दोस्तों, अगला वृक्ष है समी का पेड़, समी का पौधा, समी का वृक्ष। जी हाँ दोस्तों, समी का पेड़ बहुत ही शुभ होता है, इसमें साक्षात माता लक्ष्मी, इसमें सभी देवी देवता वास करते हैं, भगवान विष्णु, शिव और शनिदेव वास करते हैं। समी के पौधे को भी आप नए साल के दिन जरूर छू कर आ जाएं, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, आपको लाभ जरूर मिलेगा। इस वृक्ष को छूने से घर में दरिद्रता दूर होती है, निर्धनता दूर होती है, गरीबी दूर होती है, तो समी का वृक्ष आपको आसपास मिल जाएगा, इसे जरूर छू कर आ जाए। केले का वृक्ष, केले का वृक्ष भी बहुत ही शुभ माना जाता है। केले के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वास करती हैं। कहते हैं कि अगर नए साल के दिन 1 जनवरी के दिन केले के वृक्ष को अपने घर में लगा लिया जाए तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, लेकिन अगर आप लगा नहीं सकते तो इसे छू कर जरूर आ जाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर बोल कर आएं। दोस्तों, केले के वृक्ष में धनदायक संपदा छिपी रहती है, इसलिए इसे छू कर आ जाएं, बहुत ही शुभ होता है। बेल का वृक्ष, बेल के वृक्ष में भी स्वयं माता जगदम्बा शिव वास करते हैं, माता लक्ष्मी वास करती हैं। कहते हैं बेल के वृक्ष के नीचे नए साल के दिन अगर आप माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें तो स्वतः ही माता लक्ष्मी के यानी धन प्रदान करती हैं, कुबेर का खजाना लुटाती हैं। तो आपको बेल के वृक्ष को नए साल के दिन जरूर छू कर आ जाना, आपकी गरीबी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, आपके गरीबी दूर हो जाए। लेकिन यहाँ पर आपको जितने भी वृक्ष हमने बताए इनके नीचे अगर घी का दीपक नहीं है तो सरसों का दीपक और लौंग कपूर जरूर जला देना, ये जरूर करना। गुलर का वृक्ष भी बहुत ही शुभ होता है, गुलर के वृक्ष को भी आप नए साल के दिन जरूर छू कर आ जाएं, इससे भी गरीबी दूर होती है, निर्धनता दूर होती है, घर में पवित्रता बढ़ती है, इससे आपके घर में आपको लाभ भी जरूर मिलते हैं। नए साल के दिन अगर मनी प्लांट का पौधा मिल जाए, चूंकि मनी प्लांट का पौधा सभी लगाते हैं, तो नए साल के दिन मनी प्लांट के पौधे को छूकर बोल देना, माता लक्ष्मी स्वतः आपके घर आएंगी। या फिर आपको मदार, आंकड़े का पौधा मिल जाए, जिसे मदार कहते हैं, मदार के पौधे में भगवान गणेश जी वास करते हैं। कहते हैं नए साल के दिन आंकड़े मदार के पौधे को छूकर अगर गणेश जी का नाम स्मरण कर लें
चूंकि रिद्धि सिद्धि के देवता है गणेश जी, तो पूरे साल आपके घर में शुभ लाभ होता रहता है, इसलिए इन वृक्षों को जरूर छूकर आ जाएं। दोस्तों कोई भी वृक्ष एक छू सकते हैं, लाभ जरूर मिलेगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी दोस्तों, इसलिए वीडियो को आप लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर जरूर कर देना दोस्तों के बीच, और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में लिखेगा जय माँ लक्ष्मी सदा तेरी जय हो।